को प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका पावर केबल हमने प्लग इन किया है, तो ये फ्रंट वाला पावर वाला बटन है, इसको ये पुश कर किया मैंने, ऑन हुआ है, बीप दी है इसने, साथ ही ऑफ हो गया है। अब ये दोबारा से इसको ऑन करता हूँ मैं, ये फ्रंट वाली लाइट्स ऑन हुई हैं, बीप दी है इसने और साथ ही ऑफ हो गया है, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का PC है, HP RP5, मॉडल नंबर है 5810, मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका पावर केबल हमने प्लग इन किया है, तो ये फ्रंट वाला पावर वाला बटन है, इसको ये पुश कर किया मैंने, ऑन हुआ है, बीप दी है इसने, साथ ही ऑफ हो गया है। अब ये दोबारा से इसको ऑन करता हूँ मैं, ये फ्रंट वाली लाइट्स ऑन हुई हैं, बीप दी है इसने और साथ ही ऑफ हो गया है, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह, तो ये मदरबोर्ड हमारे सामने आ गया इसका। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हमने क्या करना है इसका, सबसे पहले हमने इसको ये जो सीमोस इसका लगा हुआ है, ये हम सीमोस इसका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह, ने अच्छी सीमोस इसका उतर के, अब इसकी ये रैम्स लगी हुई हैं स्लॉट में चार, ये चारों रैमें हम जो है ना इसकी बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, अब इसको हम ब्लोर लगा लेंगे, यानी कि सफाई कर लेंगे इसके, को कार्बन वगैरह ये वो चीज़ें जो हैं ये वो क्लियर हो जाएंगी, जो मट्टी धूल वगैरह इसकी आई है, डस्ट वगैरह। बिस्मिल्लाह, ललित जी ये ब्लोर वगैरह इसको लगाई है, तो चेक कर रहे हैं अभी इसका सफाई वगैरह हो गई है। तो ये रैम्स हैं इसकी, अब इसकी एक रैम जो है ना स्लॉट वन वन में हम लगा के चेक करेंगे, डिम वन में, तो इसकी डिम वन ये वाली ब्लैक वाली है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, चेक कर रहे हैं अभी ऑटो ऑन हुआ है क्योंकि हमने सीमोस इसका उतारा हुआ है। फैन इसका ऑन है बैक के ऊपर से, अभी हार्ड की लाइट भी इसकी ऑन हुई है, ब्लिंक कर रही है हार्ड की लाइट। तो ये चेक करिए माउस के ऊपर जो है ना इसकी लाइट आ गई है। ले जी ये डिस्प्ले इसका आ गया, ठीक है, तो ये सेल का वोल्टेज चेक कर लेंगे सेल के, ये वोल्टेज का भी प्रॉब्लम होता है। वोल्टेज पूरी है सेल के 3 वोल्ट, ठीक है, ये सेल डाल लेंगे अब इसका। सेल डाल गया, अब वन बाय वन इसकी रैम है जो है ना इसके अंदर इंस्टॉल करके, तो इसकी विंडो वगैरह रन कर लेंगे। वो कार्बन वगैरह ही आया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन रहा था, तो ये रैम्स की स्लॉट और रैम आपने साफ़ कर लेनी है, उसके बाद इसकी फिटिंग कर लेते हैं। नहीं जी, रैम्स वगैरह इसकी फिट कर दी है टोटली, उसकी विंडो वगैरह रन करके चेक कर लेंगे।
ये विंडो वगैरह इसकी रन हो रही है, ठीक है, तो बिल्कुल ओके है प्रॉब्लम आपके सामने जो निकला इसका। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।